बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रांस इटली के मशहूर माफिया डॉन थे। इनकी शोहरत और खौफ यूरोप के कई मुल्कों तक फैला हुआ था। ये 6 बार पुलिस मुकाबलों में बच निकले। इनका बेटा एक मुकाबले में पुलिस के हाथों मारा गया। इनका नाम दहशत और खौफ की अलामत समझा जाता था। मुंशियात की असमग्री के अलावा गुंडा टैक्स इनका धंधा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके नाम से सहम जाते थे। कहते हैं जुर्म की दुनिया में जाने के बहुत रास्ते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फैंस ने एक खूबसूरत रास्ते के इंतखाब से वापसी कर ली। उन्हें मुंशियात की असमग्री के दौरान कहीं से कुरान मजीद का मुतरजम नुस्खा मिला। ये इसे पढ़कर मुसलमान हुए। फैंस के साथ इसके ग्रोह के कई लोग मुसलमान हुए और जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन फैंस की बीवी देर बाद फैंस का हुसन सलूक से मुसलमान हुई। फैंस की बीवी का कहना है कि पहले वो शराब पीकर मुझे मारता था, गालियां देता था, अब वो मुकम्मल बदल चुके हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। फैंस जो कि अब अब्दुस्सलाम बन चुके हैं, अपने बारे में कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद महसूस होता है कि मैं फिर से नई ज़िंदगी लेकर पैदा हुआ हूँ। यह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। वो फैंस जिनके खौफ से लोग घरों से नहीं निकलते थे, आज इटली की सड़कों पर गरीबों और मोहताजों में मुफ्त खाना तकसीम करते दिखाई देते हैं। फैंस अब एक दाई बन चुके हैं। इनकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं।